हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल का बैच चल रहा है और यहाँ पर आपका एलसीएम एंड एससीएफ का आज पार्ट टू में कराने जा रहा हूँ। पार्ट वन खत्म हो चुका है और हाँ, ये दो क्लासेस मैंने पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने पब्लिक किया हुआ है, ठीक है। और ये लेकिन आगे की क्लासेज आपको मेंबरशिप जब आप ले लेंगे 29 रुपीज का, तो आप आगे की क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। तो पहले आप पार्ट वन को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं आगे की क्लास को अटेंड करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एलसीएम का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर शेष शून्य बचता है या शून्य प्राप्त होता है। अच्छा, जब आप मेंबरशिप लेंगे, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको पेमेंट के लिए जो बोलेगा, तो देखिए आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे और अपना वीजा या फिर मास्टर कार्ड से, ठीक है ना, या फिर मास्टर कार्ड से। तो गूगल पे से पेमेंट कैसे करें बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका क्वेश्चन वो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर क्या क्या है आपके पास, 12, 15, 18 और 24 है, ठीक है। तो 12 से 24 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 12 को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 15, 18, 24 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका 360 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये सब मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो जब आपका एलसीएम कितना आ गया, 360। अगर क्वेश्चन ये कहता, केवल फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जब रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। तो हम अभी देखिए 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है 360 में अगर हम 4 जोड़ दें, तो ये जो 4 है ये हमारा हर बार क्या बचेगा, ये शेषफल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है सर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कह रहा है जबकि 11 से जब भाग देते हैं तो क्या होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है। तो अब हमें वो संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, अब वो संख्या बताने के लिए हमें यहां पे x लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, ठीक है ना। अब हमें, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 11 से डिवाइड करने पर शेष जो है वो आपका कितना है, शून्य आता है, ठीक है ना, मतलब 0। तो अब हम, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, तो छोटी संख्या क्या हो गई आपके पास, संख्या हो गई 360x+4, ठीक है। अब यहां पर x बराबर 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कोई, मतलब पहले 2 रख के देखिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो फिर आपको पता चलेगा कि 11 से भाग करने पे 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 360 गुणे 2, एक क्यों नहीं रखेंगे, एक रखेंगे तो वही आ जाएगा ना, 360 गुणे 2+4 ये कितना हो गया, 0 और 6 दूनी 12, 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7+4, तो ये कितना हो गया, 724। अगर हम इसको 11 से भाग देंगे तो क्या 0 बचेगा, नहीं बचेगा। इसी प्रकार 3 रख के देख लीजिए, इसी प्रकार 4। लेकिन अब इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 360 को क्या करिए, ठीक है, हम ये ट्रिक बताने जा रहे हैं कि यहां पे ये जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कौन सी वैल्यू रखें x के लिए। तो 360 को 11 से भाग करें, 11 3 33 बचा कितना, 3 और 0, 11 2 22 बचा कितना, 8। तो यहां पे जो शेषफल आ गया, हमारा जो शेषफल आ गया कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता चल गया कि 11 से भाग देने पर शेष जो है हमारा कितना है, 8 है। अब संख्या हमें ज्ञात करनी है कि 11 से डिवाइड वाला, तो 8x+4 कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए x बराबर, अगर हम क्या रख दें, 5 रख दें,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8.40 और 4 कितना हो गया 44। अब ये 44 हमारा 11 से क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 360 जो हमारी संख्या थी वो क्या थी, 360 एक्स प्लस 4 थी। तो यहां पे x बराबर अगर हम 5 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 360 गुणे 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0, 6 5 30 का 0 और आशिर लगा 3, 5 15 3 18 प्लस 4, तो कितना हो गया 1804 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कहाँ गया, यहां पे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ और जीसीडी। तो एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और जीसीडी को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कहते हैं, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या, वहां पे क्या होता था एलसीएम में, सबसे छोटी संख्या। तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभक्त हो, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभक्त हो, एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कि आपको एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। अभी सब आप बेसिक मेथड से सीखिए, ठीक है ना। तो भाग विधि द्वारा हम जब हम सीखेंगे तो 528 और क्या है दूसरा 756, इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 528। 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। और यहां पे 7 में से 5 गया 2। अब हम ये जो नंबर होता है ये वाला, अब हम इसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है, बात समझिएगा, ठीक है। अभी कितनी बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 8 में से 6 गया कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में से 7 5 12, ठीक है, 72 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 228 है, अब हम यहां लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही ना दोस्तों। अब 272 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। तो 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, बात समझ में आ रही ना दोस्तों, ये आसान मेथड है। फिर 12, अब यहां पे क्या आएगा, ये जो 72 है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो 12 छंग 72, जब तक पूरा डिवाइड नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आया नंबर वो क्या आया, 12 आया, ठीक है ना। अब हमारे पास अभी 1008 बचा हुआ है, 1008। अब हम इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ 12 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 12 8 कितना हो गया 96, और कितना बचा आपका 4 बचा और 8, और 12 चौक 48, ठीक है। तो पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा, 12 हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है ना। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका डेफिनेशन क्या कह रहा था, वो सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं, तो कौन कौन सी संख्याएं दी गई है, 528, 756, 1008, सभी संख्याएं पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जैसे 528 है, ठीक है ना, और 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, 756 है 12 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 1008 है 12 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 144, 216, 432, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें वह सबसे बड़ी संख्या बताना है, मतलब एचसीएफ बताना है। तो 144 को ऐसे लिखिए 216, ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा, ठीक है। 4, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 4 गया 7 आ गया आपका। अब हमारा 144, अब ये कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा। तो पूरा का पूरा आपका कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 72 आया। अब हमारे पास 432 जो है उसको हम 72 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 2 हासिल लगा 1, 7 42 और 1 43। तो ये कितना हो गया, 72 से सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है, 72 है, ठीक है। ये मेथड तो बिल्कुल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
ठीक है। और नेक्स्ट टाइप, जब दो संख्या काफी करीब हो या एक संख्या छोटा हो तो। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये शॉर्ट ट्रिक जो आपका इसका है, वो सारे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि 276, 345 एवं 1380 से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है ना। तो 276 और ये 345, ठीक है। आई थिंक अब ये सब आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। और 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 13 में से 7 गया 7, 7 और कितना हो गया 6 हो गया, ये 276। अब कितनी बार में जाएगा आपका, तो 9 त्रिक 27 और 6 त्रिक 18, 4 बार में जाएगा। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, और 6 चौक 24 और 3 27, तो पूरा का पूरा कट गया तो 69 आया। अब आपके पास एक संख्या और है 1380, उसको हम 69 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 9 दुनी 18 का 8 हासिल लगा 1, और 6 दुनी 12 और 1 13, तो कट गया और ये 0 आ गया। तो आपका SCF कितना हो गया मेरे दोस्त, 69 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप, कहाँ जा रहे हो भैया। देखिए अब अगला टाइप क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है SCF निकालने की विधि पर आधारित प्रश्न। दो संख्याओं का SCF भाग विधि द्वारा निकाली जाती है तो भागफल क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं का SCF 18 हो तो संख्या बताइए, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है, दो संख्याओं का SCF। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो हमारा जो भागफल आता है वो क्या आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। अब वो पूछ रहा है संख्या का SCF अगर 18 है तो संख्या पूछ रही है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो दो संख्या है कौन सा है, ए है और बी है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब हम बी को ए से डिवाइड करते हैं तो पहले हमारा जो भागफल आता है कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। ओके, बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें पता नहीं है तो हम मानते हैं कि हमारा शेषफल क्या आएगा, सी आ गया। हमारा शेषफल क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। अब हम ए को हम क्या करते थे, अब ये ए को फिर सी से डिवाइड करेंगे तो अब हमारा भागफल क्रमशः आता है, तो अगला भागफल क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, तो हम मान लेते हैं डी आएगा, ठीक है। अब हम ये सी को डी से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, तो भागफल कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। भागफल कितना आएगा, 5 आएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि ये आखिरी बताया है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का SCF क्या है, SCF 18 है। तो यहां पर जो हमारा D है यही तो SCF निकल के आता है, अभी इसके पहले इतने क्वेश्चन कराए मैंने, ये जो हमारा D है यही तो SCF निकल के आता है। तो अंतिम भाजक जो है हमारा, अंतिम भाजक जो होता है वही तो SCF कहलाता है। और SCF कितना दे रखा है, 18, इसका मतलब D बराबर 18 है। चलो बच्चों कुछ तो पता चला, डी बराबर 18 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब एक आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, उसको अगर हमें 2 से भाग करना है तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 आ गया। तो अब अगर हमें 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 गुणे 2, और जो शेषफल है उसको जोड़ दें तो वापस 5 आ जाता है। इसी प्रकार ये सी जो है, ये सी तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D गुणे 5 लिख सकते हैं, प्लस शेषफल, और शेषफल कितना है, 0 है। तो C बराबर कितना हो गया, 18 गुणे 5, कितना हो गया, 18 पच्चीस 90, ठीक है। अब भैया हमें C तो पता चल गया, चलिए बहुत अच्छा, C पता चल गया। अब हमें क्या वापस लाना है, अब हमें क्या लाना है, अब हमें सी ए पता करना है। अब अगर हमें ए पता करना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, C गुणे 4 प्लस D। D क्या है, आपका शेषफल है, तो C कितना आ गया, 90 गुणे 4 प्लस D कितना है, 18 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 9 चौक 36 हो गया, 360 प्लस 18 कितना हो गया, 378 हो गया। ये आपको A बराबर पता चल गया, ठीक है ना, A बराबर पता चल गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको B निकालना पड़ेगा। अब जब B निकालना होगा तो एक बार ऊपर देख लेते हैं, तो ए और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3A+C, शेषफल क्या है, सी है, तो 3A+C, ठीक है ना। तो यहां से 3 और ए की वैल्यू कितनी थी, 378, और सी की वैल्यू कितनी आई थी, 90।
ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो 8 त्रिक 24 का 4 और 7 त्रिक 21 और 2 23 और 8 से लगा 2, 3 त्रिक 9, 2 11 प्लस 90, यही तो आएगा। उसको हम जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया और 9 3 12 2, 8 से लगा 1 1 2 और ये हो गया 1204। बी बराबर आपका आ गया 1204। तो आपके पास क्या बोल रहा था, दो संख्याएं आपसे पूछ रहा था, वो दो संख्याएं कौन सी हैं। तो ए बराबर कितना आया, ए बराबर 378 और बी बराबर कितना आया, 1224। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना। देखिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना बताया था, उसी प्रकार चलिए अब हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब देखिए 12 की पावर 15 है, 18 की पावर 16 है और क्या है, 30 की पावर 18 है। ठीक है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 3 12 पावर 15, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18 पावर 16, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 5 30 पावर 18। ठीक है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो ये लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 15, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2 पावर 16, इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 18 गुणे 5 की पावर 18। अब थोड़ा सा और आगे हम अगर सॉल्व करें तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 15। ठीक है, और 2 गुणे 3 की पावर 2 की पावर 16, ठीक है ना, इसके नीचे सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे तो आपका वही है 2 की पावर 18, ठीक है ना, एक सेकेंड, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, 2 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 18। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 गुणे 3 की पावर 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 18 गुणे 5 की पावर 18। ठीक है, यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नीचे कमेंट करके यस बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है ना, अब देखिए जब हमने एलसीएम निकाला था तो हमने क्या किया था, 2 की पावर जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे बड़ी थी उसको हमने लिखा था, और एचसीएफ में ऐसा नहीं है, एचसीएफ में हमें 2 की पावर जो है सबसे छोटी वाली को लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 30 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, तो इस लाइन में आपका क्या हो गया, 2 की पावर 16 आपका आ गया। ठीक है ना, अब अगला देखिए, यहाँ पे 3 की पावर 15, 3 की पावर 32, 3 की पावर 18, तो इस वाली लाइन में आपको क्या दिख रहा है, 3 की पावर 15। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जो बच गया बच गया, एलसीएम जब लेते थे तो इसको लेंगे लेकिन एचसीएफ में नहीं लेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब ये मैं आपको क्या देता हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है ना, आप सभी को पता ही है कि मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में कभी कभी दे देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपको भिन्न का एचसीएफ बताना है, मतलब फ्रैक्शन का बताना है। तो देखिए जब हमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, अंश अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो जो निकालना होता है ना, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो बस अब आपके पास है 18/25, 12/7 और 6/35। तो 18, 12 और 6 का एचसीएफ निकाल लो और 25, 7 और 35 का एलसीएम निकाल लो, बस यही है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या था, एक बार बहुत बहुत ध्यान से बच्चों समझ लेना, एचसीएफ का मतलब क्या था, वह सबसे बड़ी संख्या। तो 18, 12 और 6, ठीक है ना, जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त करे, तो 18 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 जो 6 से और 6 तो 6 से हो ही जाएगा,
तो एचसीएफ डायरेक्ट दिख गया आपका कितना होगा, 6 होगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के देख लेते हैं यार, क्या इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। 25 हो गया, 7 हो गया, 35 हो गया। अब देखो, 25, 7, 5, 35, 5 एकम 5, 7, 7 और 7 एकम 7, ठीक है ना। तो 25 और 25 और गुणे 7, 25 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, 175। ये 175 ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे अब हम ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 758 एवं जिससे 758 एवं 145 को भाग देने पर क्रमशः 2 एवं 5 शेष प्राप्त होता है। शेष का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो दो हमेशा देखिए, आपके पास एक संख्या है 758, एक क्या है 1445, ठीक है। अब आपको वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे भाग देने पर हमेशा 2 क्या होता है और 5 क्या होता है, 2 और 5 जो है क्रमशः आपको रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से अगर हम 2 घटा दें तो 756, और इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो 1440। तो हमारे पास ये दो संख्याएं होंगी, ठीक है। जब हम वो बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो वही हमारा शेषफल बच जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ पे 756 जो आपका आया ये वाला, ठीक है, 1440 को हम भाग करेंगे तो आपका एचसीएफ पता चल जाएगा मेरे दोस्त। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं, आगे करेंगे आप? चलिए मैं बता देता हूँ, 756, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, और ये आपका हो गया 13 में से 8 पन 13, और यहाँ पे आपका हो गया 6, ठीक है। अब ये 756 एक बार में जाएगा 684, तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और ये हो गया 6 8 4। फिर ये कितनी बार में जाएगा आपका, 72, 8 दूनी 16, 9 9 9 दूनी कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, 9 दुनी 18, ठीक है। तो 9 बार में ही जाएगा, 9 दुनी 18 का 8 हासिल लगा 1, और 9 सती 63 और 1 64, ठीक है। तो 14 में से 8 गया आपका कितना हो गया, 6 हो गया, और 7 में से 4 गया 3, और ये फिर 72 आपका कितनी बार में चला गया, 2 बार में 72। तो आप देख रहे हो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया मेरे दोस्त, 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है वो 36 है, जो जो 728, 700 कितना था क्वेश्चन, कितना था, 756, 758 को भाग देगा तो 2 बचेगा, और 1445 को भाग देगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना है, वो बड़ी संख्या आपका 36 है। अरे 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 अरे, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए यहां पे मैंने नोट करके लिखा है, तो प्लीज दोस्तों अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो नोटबुक बना लो। वैसे दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, 1 और 4, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। 1 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, एक ही तो आएगा, 12 और 13, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, 12 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 5 और 8 इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 7 और 9, 7 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, ओके आगे बढ़ो। यदि दो संख्याओं में से, मतलब उसी को आगे मैं समझा रहा हूं, यदि दो संख्याओं में से, समझिएगा स्टार बना लीजिएगा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। यदि दो संख्याओं में उसके एचसीएफ से, दो संख्याओं में उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम सह अभाज्य संख्या होता है। तो मैंने मान लिया जो आपका संख्या है, 1 84 है और 1 108 है, ठीक है ना। अब अगर इनका एचसीएफ हम निकालें तो 84 और 108 का एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका नोट मैंने किया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा।
तो अब जो हमारा संख्या है 84 और 108, उसको हम एचसीएफ से जब भाग देंगे 12 और 12, तो कितना आएगा 12 छंग 84 और 12 नौया 108, ठीक है ना। 12 सत्ते 84, यार कहाँ यार पहाड़ा वाड़ा भूल गए वर्मा जी, पहाड़ा भूल गए। 12 सत्ते 84 और 12 नौया 108, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो निकल के आया, यही हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा ना कि अब सह अभाज्य संख्याएं क्या है आपकी। जैसे कि 12 और 108 आपके पास दो संख्याएं थी, 12 और सॉरी 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 84 और 108 आपके पास दो संख्याएं थी, उसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से भाग कर देंगे, जो आता है वही सह अभाज्य संख्या होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, कितना है एच है, एच हो, तथा सह अभाज्य संख्या का जो जोड़ा है, जैसे वहां पे कितना आया 7,9, ठीक है ना, जोड़ा एम कॉमा एन हो, तो संख्या क्या होगी हमारी, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये जो दो संख्याएं हैं वो क्या, कौन सी संख्याएं होंगी। तो देखिए, तो हमारा जो एम है, मतलब जो 7 है, 7 गुणे एचसीएफ कितना था हमारा 12, ठीक है, 9 गुणे एचसीएफ कितना था 12 पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 12 7 84, 12 9 108, देखा आपने, आ गया ना, संख्याएं पता चल गई ना। अब देखिए ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 8:11 है, ठीक है, कितना है 8:11, यदि उनका एचसीएफ कितना हो 24 हो, एचसीएफ कितना है 24 है, तो संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो देखिए ये जो संख्या निकालने का है, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, जो संख्या ऐसे निकालना हो, ठीक है, तो सह अभाज्य गुणे एचसीएफ आप कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 8:11, और जो आपका एचसीएफ है कितना है 24 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो संख्या होगा 8 गुणे 24 होगा और 11 गुणे 24 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 2 16 और 3 19, 119, और इसको जब हम 11 6 44 का 4 हासिल लगा 4 11 2 22, 22 और 4 26, 264, ये हो गया। अब योगफल आपसे पूछ रहा है ना, तो योगफल देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पढ़ोगे मेरे बाबू तो एग्जाम में कहाँ से करोगे। 192 और 264, 4 2 6 9 6 15, 5 2 3 4, ये लो 456 आपका आंसर हो गया। अरे 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 गुरु जी सीरियसली, देखिए मैंने बहुत बेसिक से पढ़ा दिया है अभी तो यहाँ। देखिए एक बात और बताऊं, आपके लेखपाल में ना टॉपिक मैथ के बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, बहुत कमी है। और एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठाए जाएंगे। अभी एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो संबंध होता है उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ₹29 का मेंबरशिप है और 100% गारंटी क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का समय शुभ हो।